एक शू बॉक्स के फॉर्म में एक बैग बनाया है। 500 रुपए का एमआरपी है, बट वी गॉट इट फॉर अराउंड 49। ओ माय गॉड, दिस इज सो सो सॉफ्ट। मैं एरिया के स्टूडियो में गई थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था पूरा लुटा हुआ है। क्या ही मजबूरी होगी बेचारों की, इतना सस्ते में उन्होंने सामान निकाल दिया। कहीं घूमने जाएंगे ना तब इसको निकालूंगी। एक आइटम का प्राइस ही 3 या 4 हज़ार है, लेकिन चारों चीजें मेरी 3 हज़ार रुपए में आ गई, विच इज स्टील डी। माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। मॉनसून के अराउंड ना इतनी अमेजिंग सेल आती है कि जब भी मॉल जाओ, कहीं स्टोर पे जाओ, ऑनलाइन दिख जाती है, मन करता है अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो। सो मेरा लास्ट 2 मंथ्स का ऐसा फेज था कि मैंने काफ़ी शॉपिंग करी है। सो दिस वीडियो इज मोर लाइक अ कलेक्टिव हॉल। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मैंने नाइकी में बाय टू गेट टू से क्या लिया है। ज़ारा की बिल्कुल एंड वाली जो सेल होती है, मतलब होता है ना सब कुछ 3 या 4 स्टिकर लग जाता है, सबसे सस्ते में मिलता है, मैं तब ज़ारा से लेती हूँ, बिकॉज अदरवाइज आई फील ज़ारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगता है। ज़ारा से मैंने लिया है। आई हैव मिसबू एज वेल। मिसबू का एक स्टोर था गुड़गांव में जिसमें सब कुछ ऐसे 30-30 रुपए में मिल रहा था, तो लिटरली मैं पूरा स्टोर ही लेके आ गई हूँ। देन आई हैव जूडियो एज वेल, थोड़ा बहुत आजियो भी है। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इट्स मोर लाइक अ कलेक्टिव हॉल। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। आई एम नॉट प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ लाइक कंज्यूमरिज्म कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। जस्ट दैट कभी कभी जब डील अच्छी होती है मैं चीज़ें ले लेती हूँ, एंड ब्रांड्स लाइक नाइकी एंड ज़ारा आई फील लाइक जब सेल आए डील आए तभी लेना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत महंगी है। मैं खुद MRP पे खरीदने में नहीं आपको रेकमेंड करूंगी। काफी ब्रांड्स पे अभी भी सेल चल रही है, सो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है मैं आपको आउटलेट्स भी बता दूंगी, आप वो आउटलेट पर जाके भी ले सकते हो। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नाइकी, बिकॉज नाइकी से काफी सारा सामान हमने लिया है। बाय टू गेट टू सेल लगी हुई थी नाइकी पे $15 के अराउंड, अभी भी शायद लगी हुई है उनके फैक्ट्री आउटलेट में। मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील बनाई थी, अगर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन द स्पॉट कब कहां क्या सेल चल रही है, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज रील्स के थ्रू सारी सेल अपडेट्स आपको देती रहती हूँ, बिकॉज काफी बार जब तक यूट्यूब वीडियो आती है ना वो सेल खत्म भी हो जाती है, बट आई थिंक बाय टू गेट टू अभी भी चल रहा है। सबसे पहले दिखाती हूँ कि 15 अगस्त के बाय टू गेट टू डील में हमने क्या लिया। सबसे पहले ये वाले स्नीकर्स जो अमन की चॉइस है, नॉट माय चॉइस। मैं इतने फ्लैट वाले शूज ऐसे पहनती नहीं हूँ, मेरे पास जितने भी नाइकी के शूज हैं ऑल आर लाइक प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज, बट ही वॉज लाइक ऐसे स्नीकर्स भी होने चाहिए, अच्छे लगते हैं कैजुअल, लाइक आपको डेनिम्स के साथ पहनना हो, कहीं रात को कहीं जा रहे हो एयरपोर्ट लुक के लिए, लाइक स्पोर्ट्स शूज के अलावा एक हटके कलेक्शन हो जाती है। ही रियली लाइक इट, और मैं अमन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ इट कम्स टू स्पोर्ट्स वेयर एंड ऑल, बिकॉज उसको काफी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, मैं इतनी स्नीकर हेड नहीं हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम किड्स कलेक्शन। इसका बॉक्स मुझे अभी मिल नहीं रहा, वहाँ पे सारे बॉक्सेस मिक्स हो गए हैं, अगर मुझे मिलेगा मैं इस बॉक्स की इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। ये किड्स कलेक्शन में से अमन ने ढूंढ के निकाला था, और ये बाय टू गेट टू डील पे मैं आपको बता देती हूँ, हमारा बाय टू गेट टू पे सबसे पहला जो बिल बना था वो 6400 अराउंड का बना था। ये शूज ही आई थिंक 4 या 5 हज़ार के हैं, तो 6400 में सबसे पहले तो हमने ये वाले शूज पिकअप कर लिए थे। अगर ब्रेक डाउन किया जाए अमन सेड ये अराउंड 1800 के पड़े हैं, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड डील। सेकेंड अप इज अ सैंडल विच इज अगेन हिज चॉइस। मैं इतनी सैंडल्स एंड ऑल ले हुई बिलीव नहीं करती, मैं जो भी चप्पल्स होती है ना मैं मिंत्रा आजियो से ले लेती हूँ, बट देन ही वॉज लाइक बाय टू गेट टू में है और कुछ पसंद नहीं आ रहा था, ये डील भी अच्छी थी, और जब भी कहीं ट्रिप पे या ट्रैवल करने जाओ ना अच्छी क्वालिटी की सैंडल्स नहीं होती, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें 2 कलर थे, एक था बेबी पिंक और एक था ये ब्लैक। ही रियली लाइक इट, ये भी मेरी ही सैंडल्स हैं, ये सब बहुत अच्छी लग रही है, पहनने भी कम्फर्टेबल है, एक्चुअल में पहनने बहुत कम्फर्टेबल है, यू कैन सी द फ्रिक्शन एंड ऑल। मुझे तब से बोल रहा है इसको पहन आई एम दैट टिपिकल इंडियन आंटी, कहीं घूमने जाएंगे ना तब इसको निकालूंगी, इसको मैं फालतू में इधर उधर नहीं पहन रही। इट हैज़ कुशन इनसाइडेड, बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी दी हुई है इन्होंने, सो यू कैन जस्ट पुल इट आउट अपने साइज के हिसाब से आप कर सकते हो। 4.5 या फिर 5, मुझे 5 भी आ जाता है, बट 4.5 का वहाँ पे अवेलेबल था, और ये फिट भी ठीक आ रही थी तो हमने ये वाली पिक कर ली। एक बार मैं इसका MRP बता देती हूँ, एट द बॉक्स ओवर हियर, इसका MRP है 3000 रुपीज़, तो ये भी अराउंड 1500 समथिंग ही पड़ी ऑन बाय टू गेट टू। थर्ड आइटम इन द बाय टू गेट टू डील इज दिस स्पोर्ट्स ब्रा, और यू कैन से कैजुअल ब्रा एज वेल। तो ये प्रॉपर वाली स्पोर्ट्स ब्रा नहीं है, लाइक जो प्रॉपर फुल सपोर्ट वाली होती है, अगर आपको जुम्बा एरोबिक्स आपको जंपिंग वाली या हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कहते हैं ना वो करनी है तो फिर ये कम सपोर्ट देगी, लेकिन ये वेट ट्रेनिंग के लिए ठीक है। इस पे लिखा भी हुआ है दिस इज ट्रेनिंग वुमेन स्पोर्ट्स ब्रा, आई मीन द साइज मीडियम, एंड ओ माई गॉड दिस इज सो सो सॉफ्ट। और कप्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेगेटी जैसी फील भी है, तो मैं इसको रेगुलर वे में भी पहन सकती हूँ, एंड इट हैज स्ट्रैप एट द बैक विच इज जस्ट परफेक्ट। मैं जिस दिन वेट ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ ना कि खाली शोल्डर करना है, बैक करनी है, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग करनी है, तो मुझे फिर वो हैवी वाली स्पोर्ट्स ब्रा पहनने का मन नहीं करता, बट दिस वन इज रियली नाइस, ब्रीदेबल भी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगेन द MRP ऑफ दिस वन इज 2795, बट एज आई टोल्ड यू ये थर्ड आइटम है हमारा बाय टू गेट टू का, और फोर्थ आइटम है अमन का
ट्रैक, उसने ग्रे कलर का ट्रैक पैंट्स लिए, जो जिम पैंट्स आप बोल सकते हो, जो लड़के जिम में पहन के जाते हैं। सो ये चार आइटम्स हमारे 6400 रुपीस में आ गए थे। ये हमने लिया है गुड़गांव के फैक्ट्री आउटलेट से, गुड़गांव में सेक्टर 14 आप टाइप करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। नाइकी स्टोर नहीं, नाइकी फैक्ट्री आउटलेट में क्लियर कर देती हूँ। ऑपोजिट साइड ना विशाल मेगा मार्ट था, तो एक लैंडमार्क आपको बता देती हूँ, विशाल मेगा मार्ट के जस्ट ऑपोजिट ये स्टोर था। बहुत भीड़ थी उस दिन, बट या वी क्रैक्ड रियली वेल। दोबारा गए नाइकी के फैक्ट्री आउटलेट अगेन द गुड़गांव वन, बाद में गए थे और उन्होंने मैनेजर ने बोला कि ये जो बाय टू गेट टू डील है ये एंटायर ईयर वहाँ पे होती है, खाली बाय वन गेट वन अभी एक लिमिटेड पीरियड ऑफर था। सो इस बार हमने बाय वन गेट वन पे भी लिया और बाय टू गेट टू पे भी लिया। सो अराउंड 6 आइटम्स हमने परचेज करे। हमारा बिल था आई थिंक एक बिल बना था 3000 समथिंग का, एक बिल बना था 6500 समथिंग का, मतलब 10000 के अंदर अंदर हमारे नाइकी के 6 आइटम्स आ गए। सो वो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। सबसे पहले अमन ने अपनी टी शर्ट्स लिए हैं। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई लव दिस कलर, मतलब बड़ा डिफरेंट सा कलर है। एंड यहाँ पे ऐसे वो बार जो कंप्यूटर का होता है ना वो बना हुआ है, जस्ट डू इट लिखा हुआ है। बहुत अच्छी वैरायटी थी टी शर्ट्स की। अगर लड़कियाँ भी अपनी टी शर्ट्स लेना चाहती है ना नाइकी की, आई वुड से गो टू द गुड़गांव फैक्ट्री आउटलेट। मैं क्यों इतना प्रमोट कर रही हूँ, हैशटैग नॉन स्पॉन्सर्ड, बट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू गाइस कि वहाँ पे जाओ। बहुत अच्छी वैरायटी थी। आई थिंक 2 या 3000 में ना आपकी 4 टी शर्ट्स आ जाएंगी, विच इज सो कूल। अदरवाइज नॉर्मल ब्रांड की टी शर्ट्स ही आजकल 700-800 की आती है। सो नाइकी इज समथिंग यू कैन ट्रस्ट। सेकंड इज दिस वन, इसका एक बहुत प्यारा कलर है और यहाँ पे भी ऐसे कुछ ग्लोब जैसा बना हुआ और ऐसे नाइकी का टिक है। दिस इज द थर्ड आइटम विच इज अ बैग, लेकिन इट लुक्स लाइक अ लंच बॉक्स और अ शू बॉक्स। वैसे नाइकी ने जो रिक्रिएट किया, उन्होंने अपना जो उनका शू बॉक्स है ना, यहाँ पे ऐसे डिटेल्स भी ऐसे लिखी हुई है। ये उन्होंने एक शू बॉक्स के फॉर्म में एक बैग बनाया है, एंड दिस इज मोर लाइक अ कैजुअल बैग। मुझे चाहिए था जिम बैग, लेकिन मुझे जो पसंद आ रहे थे वो अमन को पसंद नहीं आ रहे थे। ही सेड इट्स वेरी बोरिंग, तू इन्फ्लुएंसर है। कभी कभी ना वो ऐसा हो जाता है कि तू इन्फ्लुएंसर है, कैसे बोरिंग कपड़े पहनती है। आई थिंक माई ऑडियंस नो वेरी वेल कि मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती फैशन में। आई एम समवन हु लाइक्स कंफर्टेबल थिंग्स, तो मुझे वो सिंपल वाला स्लिंग बैग अच्छा लग रहा था। एंड देन ही स्पॉटेड दिस, ही रियली लाइक इट। ही सेड जिम जाएगी ना, मतलब हर कोई देखेगा, बड़ा कूल लगेगा, इट इज़ अ स्टेटमेंट पीस। सो मैंने फिर ले लिया कि चल ठीक है, कभी कभी पति की भी सुन लेनी चाहिए, पति का फैशन सेंस बहुत अच्छा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक अ लंच बैग। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाया, दे ऑल्सो सेड कि यार ये ऑफिस में लंच लेके आते ना वैसा बैग लग रहा है, लेकिन ये लंच बैग नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे बहुत अच्छी जिप है, कंपार्टमेंट इसमें बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जिप कंपार्टमेंट है, एक यहाँ अंदर भी कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं ऐसे पैसे रख लेती हूँ। अभी भी यहाँ पे थोड़ा कैश पड़ा है, बिकॉज कभी कभी जिम जाओ ना ऐसे बाहर कोई सब्जी वाला फ्रूट वाला दिख जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। एंड यहाँ पूरी ऐसे स्पेस है, मैं अपना फ़ोन रख सकती हूँ, कीज़ रख सकती हूँ, सैनिटाइजर स्प्रे, एक परफ्यूम रखती हूँ मैं मिनी, बिकॉज काफ़ी वैसे स्मेल आती है। एंड या दिस इज आउट लुक्स लाइक, इट हैज़ दिस होल एज वेल। सो अगर आप पावर बैंक अंदर डाल के यहाँ से केबल निकालना चाहते हो तो आप बीच बीच में चार्ज भी कर सकते हो अपना फ़ोन। एंड या इट लुक्स कूल, एकदम शू बैग बॉक्स लग रहा है, शू बॉक्स जो नाइकी का आता है। इट हैज़ अ नाइस लिंग एज वेल, बड़ा हटके सा कलर है इसका। इसका एम आर पी मुझे याद नहीं, अगर याद आएगा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, बिकॉज टैग मैंने निकाल दिया है। बट ये भी हमने डील पर ही लिया, 2 बैग्स लिए हैं ये वाली डील में। सबसे पहला तो वोला मैंने आपको दिखाई दिया, सेकंड वन इज़ अ मिनी बैकपैक, जो अगेन अमन सेट कभी हमें घूमने जाना हो, ट्रैवल करने जाना हो, स्लिंग बैग में सब कुछ नहीं आ पाता, एक बैकपैक कंफर्टेबल रहता है, तो इसलिए हमने लिया है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, अभी तक यूज़ नहीं किया। इसका एम आर पी मैं आपको बता देती हूँ, द एम आर पी ऑफ दिस वन इज़ Where is it? 1595, but again ये हमें buy two get two में मिला है। तो हमने जो दो आइटम्स लिए ना अराउंड सेम प्राइस के, हमें ये दो चीज़ें एक sort of आप कह सकते हो फ्री, 50% ऑफ हो गया sort of। तो ये 750 रुपये का बैग पड़ा, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड फॉर नाइकी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नीचे बहुत अच्छी वाटर प्रूफ पूरा बेस है, साइड में बॉटल का भी है, दोनों साइड बॉटल रखने का है, बाहर अच्छी स्पेस पॉकेट है। एंड आई रियली लाइक दिस जिप, लाइक लुक एट दिस, इनकी जिप इतनी क्लासी लगती है ना, बड़ी डिफरेंट लगती है। एंड देन वी हैव नाइस स्पेस इन साइड इट, तो इसमें अगर इधर उधर ट्रैवल भी करने जाना ना, खाना पानी की बॉटल पावर बैंक जो भी चीज़ें डालनी है मैं डाल सकती हूँ। इसका कलर थोड़ा स्कूल बैग वाला है, मैं उनको भी यही कह रही थी कि कोई और कलर लेते हैं, बट ही सेड नहीं, पाउडर ब्लू अच्छा लगता है, बिकॉज जेनरिक कलर है, वो भी कैरी कर सकता है, मैं भी कैरी कर सकती हूँ। आइटम्स आर डन, नाउ द फिफ्थ आइटम इज द सेम स्पोर्ट्स ब्रा, बिकॉज मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे टी शर्ट्स नहीं लेनी थी, मेरे पास ऑलरेडी इतनी टी शर्ट्स है ना, मैं लोकल मार्केट जाती हूँ या कभी आजियो पे सेल लगती है, 200-250 में ऐसे टी शर्ट्स मिलती है, मैं हमेशा ले लेती हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए होती है। सो मैंने अननेसेसरी फिर नाइकी से हज़ार
वाली टी शर्ट नहीं ली. ऑफकोर्स अगर आपको स्पेशली लेनी है तो आप जाके ले सकते हो. सो उसकी जगह मैंने ये स्पोर्ट्रा ले ली बिकॉज मुझे वो न्यूड वाली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक ब्लैक भी ले ली. नाउ आई हैव टू बेसिक ब्रा जो सबके पास होनी चाहिए, एक न्यूड कलर में एक ब्लैक कलर में. मेरी मेमोरी वीक है लेकिन वापस भी आ जाती है. सो ये दो आइटम हमने बाय वन गेट वन में लिए थे और इस आइटम को जब मैंने देखा मैंने इंस्टेंटली उठा लिया था बिकॉज वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना उस दिन, ऐसा लगा था आपको छोड़ दोगे फिर आपको मिलेगा भी नहीं. फाइनली मुझे दो आइटम मिले जिनकी सेम वैल्यू थी, अदरवाइज फिर ऐसा लगता है यार एक महंगा ले लिया दूसरा थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, वर्थ नहीं है. सो ये दोनों आइटम्स ही 2795 के हैं, तो मुझे 2795 में दोनों आइटम्स मिल गए विच इज़ मोर लाइक 50% ऑफ. ये है जिम टाइट्स और ये बहुत प्यारा ग्रे कलर है, मेरे पास ऐसा चारकोल ग्रेइश कलर नहीं था सो मैंने ये ले लिया. नीचे पूरा ऐसे मैश वाला पैटर्न है. नाइकी की जिम टाइट्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं, लाइक द बैंड इज गुड. मैं हमेशा जब भी जिम टाइट्स लेती हूँ मैं ये हाई वेस्टेड बैंड के साथ लेती हूँ, मैं कभी भी ऐसे पतली बैंड नहीं लेती. लाइक इतनी भी जिम टाइट्स आती है ना, मैं एक कशे का ज्ञान आपको देना चाहती हूँ, कभी भी आप जिम टाइट्स लो इतनी वाली मत लेना बिकॉज इतनी पतली बैंड वाली जिम टाइट अगर पहनोगे ना उससे आपका जो बेली फैट होता है वो एकदम ऊज आउट होता है, वैसे बाहर निकल जाता है. वर्कआउट कर रहे हो एकदम आपका पेट बाहर दिखता है, अजीब लगता है. जितना मोटा बैंड होगा वो उतना अच्छे से आपके पेट को टक इन रखेगा और जब भी आप वर्कआउट करते हो योर स्टमक शुड बी टक्ड इन प्रॉपरली ताकि एक अच्छी शेप भी आए और वर्कआउट भी बेटर होता है. सो इसलिए मैं हमेशा ऐसी लेती हूँ. ये मैंने लार्ज साइज में लिया है बट आई थिंक मुझे लार्ज आ जाएगा इसका बिकॉज मेरा ब्लोटिंग इतनी ज़्यादा है कि मुझे अब स्मॉल मीडियम टाइट आता है. सो यार दीज आर ऑल द 6 आइटम्स यू कैन से वी बॉट फ्रॉम बाय टू गेट टू एंड बाय वन गेट वन डील, और पहले तो हमने लिया ही था. सो अल्टीमेटली आई थिंक दिस टाइम वी शॉप्ड अराउंड 11-12,000 फ्रॉम नाइकी एंड वी आर सॉर्टेड फॉर एंटायर ईयर. ऑलमोस्ट मैंने एक महीने पहले शॉपिंग करी थी ज़ारा से, तब सेल बिल्कुल खत्म होने वाली थी. ज़ारा का एक टाइम आता है जब सेल बिल्कुल एंड पे होती है कि बस अब एक या दो दिन में हम खत्म कर देंगे, तो वो क्या करते हैं एक दो तीन चौथा स्टिकर लगा देते हैं. सो जब भी ज़ारा की सेल स्टार्ट होती है मैं कभी एक्साइटेड नहीं होती. लाइक नॉर्मल लोग होते हैं ना, सेल शुरू होगी चलो भागते हैं लाइनों में लगते हैं, नहीं मुझे ज़ारा बहुत महंगा लगता है. फील लाइक चलो जब दूसरा तीसरा स्टिकर लगेगा तब खरीदेंगे, तब वर्थ भी है. तो लिटरली आप ये बोल सकते हो कि ये बिल्कुल सेल एंड का हॉल है. चार चीज़ें मैंने परचेज करी हैं और आई थिंक चार आइटम्स मेरे 3,000 में आए हैं. यस, खाली एक आइटम का प्राइस ही 3,000 या 4,000 है लेकिन चारों चीज़ें मेरी 3,000 रुपये में आ गई विच इज़ अ स्टील डील. अगेन ये सब कुछ अमन ने निकाला है बिकॉज आई एम नॉट दैट पेशेंट काइंड ऑफ पर्सन. वेन इट कम्स टू ज़ारा शॉपिंग आई थिंक ही इज़ मोर प्रो देन मी. सो सबसे पहले है ये स्कर्ट विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वाइट कलर की स्कर्ट. एक तो इसको पहनते ही मुझे डर लगेगा बिकॉज वाइट ऐसा कलर है कि जब पहन लो ना तब कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, बट आई जस्ट वेयर इट ऑन नाइस स्पेशल ओकेजन. बहुत अच्छी मटेरियल की स्कर्ट है, इनफैक्ट सर्दियों में भी चल जाएगी. 2590 2,500 की स्कर्ट है और मुझे मिली है 550 की, यू कैन सी फ्रॉम द टैग एज वेल. तो 550 रुपीज़ में एक नाइस लॉन्ग स्कर्ट इज नॉट एट ऑल अ बैड डील. इसमें कोई भी स्लिट नहीं है बाय द वे, इट्स अ सिंपल लॉन्ग स्कर्ट. नेक्स्ट आइटम इज अ शॉर्ट्स. नाउ दिस इज अनदर जेम फाइंड बाय अमन. सो सेल सेक्शन मैंने शॉर्ट्स रखी थी और मेरी आदत है कि स्टिकर नहीं लगा हुआ सेल का तो ये सेल पर नहीं होगी, शायद नॉर्मल कलेक्शन में से यहाँ पे आ गई होगी. बट माय हस्बैंड इज लाइक नहीं क्या पता ये सेल पे हो. तो ये हैक मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे अमन ने बताया था कि ज़ारा की जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो ना उसमें एक स्कैनर का ऑप्शन होता है. सो अगर आपके पास ज़ारा की ऐप है आप ऐप को खोलो, उसमें स्कैनर को खोलो और इसको स्कैन करो. ये बेसिकली जो लिखा हुआ है ना बार कोड, इसको आप स्कैन कर सकते हो. स्कैन करते हुए आपको दिखाएगा, वो पेज खुल जाएगा आइटम का. अगर उस पर लिखा है कि ये सेल प्राइस पे है तो मीन्स ये सेल पर है, उन्होंने शायद स्टिकर नहीं लगाया होगा. एंड ही वॉज राइट, मैंने ट्राई कर ली कि चलो ठीक है अगर बिल काउंटर पे बोलते हैं डील पे है तो मैं ले लूँगी. ये डील पर थी, ये मुझे पड़ी है 550 रुपीज़ की, द एम आर पी ऑफ दिस वन इज 2590 एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट्स. कभी कभी मैं इतनी डेडिकेटेड हो जाती हूँ ना कि नहीं जब तक कॉन्टेंट नहीं बनाऊंगी तब तक यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज फिर मैं शूट भी नहीं करती, तो इसलिए मैं लिटरली एक एक बैग उठा के रखती हूँ. सो द थर्ड आइटम दैट आई पिक फ्रॉम ज़ारा इज अगेन ऑफ वाइट कलर की जीन्स, बट ये मुझे बहुत सुंदर लगी. सो ये दूर से आपको ऐसे रेगुलर जीन्स लग रही होगी बट फ्रॉम द बॉटम इट हैज़ दिस फ्रेड काइंड ऑफ थिंग विद नेट ओवर हेयर. लाइक देख रहे हो काफ़ी कूल लगता है ये देखने में. लाइक अगर आप पहली बार देखा जाएगा बड़ी अजीब चीज़ है लेकिन जब पहनोगे ना बड़ी सुंदर लगती है. व्हेन आई ट्राइड इट आई वाज लाइक आई हैव टू गेट. 3,500 की 3,519 आई गॉट इट फॉर 950 रुपीज़. सो या ना येस, मैं जब भी ज़ारा की सेल एंड होती है ना हमेशा जीन्स ले लेती हूँ बिकॉज ज़ारा की जीन्स मुझे अच्छी लगती है, द क्वालिटी इज़ नाइस. एंड द लास्ट आइटम फ्रॉम ज़ारा जो बहुत ढीली है बट मुझे कंफर्टेबल लगी. जब मुझे इधर उधर जाना होता है ना आई फील लाइक सबसे ढीली जीन्स पहननी है जैसे चिपके नहीं बॉडीज. और आजकल फैशन भी है, आजकल जो जेंजी वाला फैशन चल रहा है ना एकदम ढीली ढीली जीन्स नीचे शूज़, थैंक्स टू जेंजी एकदम कंफर्टेबल वाला फैशन अभी चल रहा है. तो ये बिल्कुल जेंजी वाइब वाली जीन्स है, दो आई एम अ मिलेनियल बट या इट लुक्स प्रिटी. ये
है कुछ इस तरह से, बहुत प्यारा इसका ऐसे व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक सैंड काइंड ऑफ कलर. सो इस पे भी ऑलमोस्ट 1, 2, 3/3 स्टिकर इस पे लगा हुआ है. इसका MRP है 4290, देख रहे हो 4000 से ऊपर की एक जीन्स है. तो ये भी मुझे 950 रुपीज़ की पड़ी है, मैं आपको दिखा देती हूँ वरना कोई बोलेगा कॉमेंट्स में कि आप पागल बना रहे हो. बट या दिस बटन काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर, लाइक यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है एंड देन वी हैव अ डबल बटन थिंग. बहुत कंफर्टेबल, लाइक इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल ढीला पजामा वाइब काइंड ऑफ जीन्स. एकदमली ऐसे ही चले गए थे गुड़गांव में सेक्टर आई डोंट नो दैट प्लेस, मैं एक बार नाम यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, जहाँ पे मिसबू भी था. मैंने मिसबू पे भी वीडियो बनाई थी बाय द वे, बिकॉज वो स्टोर तब क्लोज ही होने वाला था. सो एक फटाफट वीडियो बना देती हूँ, अदरवाइज जो लोग आसपास रहते हैं उनकी डील मिस हो जाएगी. मिसबू का हॉल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो अब तक का लाइफ का सबसे सस्ता हॉल होगा मेरा. बट उससे पहले मैं आपको जूडियो दिखाती हूँ. मिसबू के ऊपर ही वहाँ पे जूडियो भी था एंड दिस इज अ ड्रेस दैट आई पिक्ड अप. मैंने इस बार जूडियो की सेल से कुछ नहीं लिया, मैं अपने एरिया के जूडियो में गई थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था पूरा लुटा हुआ है. फिर मैं एक और जूडियो गई, वहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बट देन वहाँ पे मुझे ये ड्रेस दिख गई, आई रियली लाइक इट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कॉटन. कहीं भी बाहर घूमने जाओ ना बीची एरियाज में गर्मी में, तो ऐसा लगता है यार कुछ नहीं पहनना, कॉटन की एक सिंपल ड्रेस दे दो, एकदम ईजी ब्रीजी. इसलिए मैंने लिया. आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ द प्रिंट, ये थोड़ा सा मुझे ऑफ लग रहा है, लाइक आधा है आधा नहीं है. मुझे थोड़ा सा ना इक्वल प्रिंट पहनना पसंद है, थोड़ा सा बोहो टाइप हो गया, बट याद मटेरियल इज़ वेरी नाइस. इसका MRP है 799, लेकिन मुझे पड़ी है 499 की फ्रॉम जूडियो सेल. इसका MRP है 99, बट ये डील पर मिल रहा था 29 रुपीज़ का. और ये दो हेयर बैंड्स हैं सैटन कैसे इसके ऊपर ये लगा हुआ है, जो काफ़ी सुंदर लगता है. एक वाइट कलर है, एक ब्राउनिश कलर है. मुझे ऐसे हेड बैंड्स चाहिए होते हैं. स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल है, कुछ भी फिल्म करो ना, मुझे ऐसे मुंह पे बाल आते हैं ना रेडी होते हुए, अच्छे नहीं लगते. नेक्स्ट अप इज़ अ वेरी रीसेंट परचेज फ्रॉम जूडियो. ये तो मैंने MRP पे ली थी, बिकॉज अभी मैंने एक लॉरियल के साथ वीडियो अपलोड करी है. हाइलुरोनिक एसिड मैंने उनकी रेंज प्रमोट कर दी, द हाइलुरोन मॉइस्चर रेंज बालों की. एंड लॉरियल का होता है कि जो ब्रांड का कलर है, प्रोडक्ट का कलर, थोड़ा बहुत आपका आउटफिट कलर मैच होना चाहिए. तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था. आई वेंट टू जूडियो, मुझे एक्जैक्टली सेम कलर का टॉप मिल गया, आई पिक्ड इट अप. ये सेल पर नहीं था, ये उनकी फ्रेश कलेक्शन में से है. दिस इज फॉर 399, बट ये क्रॉप निकला, मुझे लगा इसकी लेंथ थोड़ी ठीक ठीक होगी, लेकिन थोड़ा सा क्रॉप्ड है. कॉलर्ड है, इट लुक्स नाइस. अगर आप ऑफिस में से कॉलर्ड वाले क्रॉप्ड टॉप पहनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जूडियो चेकआउट कर सकते हो. इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है, इट्स नॉट दैट फ्लिम्सी वाला मटेरियल, इनका मटेरियल भी काफी अच्छा है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग एंड द चीपेस्ट हॉल ऑफ माई लाइफ, मिसबू हॉल. सो रैंडमली हम गुड़गांव के पर्टिकुलर जगह पे गए थे जहाँ पे मिसबू खुला हुआ है, उस एरिया का जो भी नाम है मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगी, बिकॉज मुझे एक्जैक्टली नहीं याद. अमन मुझे लेके गया था वहाँ पे. सो मिसबू उसने ही देखा था एंड आई टोल्ड हिम कि जब भी जाएंगे गुड़गांव मुझे मिसबू जाना है, मैंने काफ़ी सुना है वहाँ के बारे में. एंड जब हम वहाँ गए, हमने देखा स्टोर आधा लुटा हुआ है, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट बिका हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें लगी हुई थी, बिकॉज दे हैड एन अमेजिंग सेल एट दैट टाइम, विच वॉज एवरीथिंग अंडर 99. उन्होंने 299 लिखा था पहले, फिर वो 2 को भी हटा दिया, अंडर 99 सब कुछ इतने सस्ते में कर दिया. मैंने उनसे पूछा भी कि ये 30-30 रुपए में क्यों बेच रहे हो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें. दे सेड अब हम शट डाउन कर रहे हैं, अब इसका रिवैम्प हुआ है, फिर जो भी ब्रांड अब दोबारा से बनेगी. सो लिटरली एवरीथिंग इज अंडर ₹99. वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके, सो द फर्स्ट आइटम इज मिसबू मेक्सिकन जाइव रूम स्प्रे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका MRP है 499. ओ माय गॉड, 500 रुपये इसका MRP है, बट वी गॉट इट फॉर अराउंड 49. मुझे एक्जैक्टली प्राइस नहीं आया, जिसका भी जो भी प्राइस होगा मैं यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी. एंड इट इज़ अ ग्लास बॉटल विद अ वुडन कैप, लाइक ओ माय गॉड क्या ही मजबूरी होगी बेचारों की, इतना सस्ते में उन्होंने सामान निकाल दिया. ये है लव कैंडी परफ्यूम, ऐसे यहाँ पे फर लगा हुआ है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं ऐसे गिफ्टिंग के लिए लाई हूँ, कि घर में कभी कोई गेस्ट आता है या फिर बच्चों को कुछ गिफ्ट करना हो, किसी को बर्थडे में ऐसे कुछ देना हो, तो मैं ऐसे आइटम्स दे देती हूँ. चलो किसी को देने के लिए भी अच्छे हैं, बिकॉज अच्छी डील पर मिल रहे हैं. लिया है हमने मैक्सिकन ड्राइव, कुछ इस तरह से दिखता है. दिस इज कम्प्लीटली पैक्ड, उसको मैं नहीं खोल रही, किसी को देने में काम आएगा. नेक्स्ट अप इज अ मिस्ट, जो बहुत अच्छा है. इट लिटरली स्मेल्स लाइक पीना कोलाडा, जो ड्रिंक होती है ना, जो आप बीच पे बैठ के पीते हो, बिल्कुल इसकी वैसी खुशबू है. दिस इज द मिसबू पाइनएप्पल फ्लोरल मिस्ट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसका भी MRP है 499, बट ये भी बहुत सस्ते मिला था, आई थिंक 49 में ही मिल रहे थे. फिर हमने लिए हैं ये बॉडी स्प्रेज, ये कार्ड के लिए भी ले ली हमने, या वैसे ही कैजुअल में यूज़ करने हो, जिम बैग में आप डाल सकते हो. दीज आर द मिसबू प्लम सिट्रस डिओड्रेंट स्प्रे, कुछ इस तरह से दिखते हैं. मैंने 3 ले लिए, बिकॉज आई थिंक ये 29 में मिल रहे थे.
एमआरपी ऑफ दिस वन इज 99 और ये 29.29 में वो सेल कर रहे थे, तो हम तीन तीन लेके आ गए। और ऐसे परफ्यूम्स रखे थे जो सन साइन के अकॉर्डिंग थे, एंड इसका भी एमआरपी है 299, बट आई थिंक हमें 99 का ही मिला है। मैंने लिया है जेमिनाई जो है मेरा सन साइन। यहाँ पे ऐसे पूरा अंदर भी बॉटल पे जेमिनाई के ट्रेड्स लिखे हुए हैं, यू कैन सी फ्रॉम हेयर जेमिनाई के बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं। और ऊपर एक ब्रेसलेट है DIY जो अपने आप बना सकते हो, अंदर अल्फाबेट्स डले हुए हैं, सो अपने आप ब्रेसलेट भी बना सकते हो। सो इट्स नाइस फॉर गिफ्टिंग एज वेल, बहुत अच्छा मुझे ये लगा। देन नेक्स्ट अब आती है हेयर बैंड्स। मैंने एमवी ले लिए, मेटल के थे तो काम आते हैं, लाइक किसी बच्चे को देने हो या फिर वैसे ही मुझे पर्सनली यूज़ करने हो। इसका एमआरपी है 299, अगेन ये मुझे पड़ा है 99 का। देन नेक्स्ट अप वी हैव मिरर्स बहुत अच्छे थे वहाँ पे, सो हमने बहुत सारे ले लिए। आई थॉट चलो फ्रेंड्स एंड फैमिली में गिफ्ट कर देंगे बिकॉज ये बहुत क्यूट हमें लगे। सो दीज आर मिसबू के मिरर्स, और ये वो टू साइड वाले मिरर हैं जिसमें एक साइड जूम्ड इन दिखता है, एक साइड नॉर्मल दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मैं आपको एक खोल के भी दिखाऊंगी। एंड इसका प्राइस है 299, बट ये वहाँ पे आई थिंक 29 रुपीज़ के मिल रहे थे, इसलिए हम बहुत सारे मिरर ले आए। ये तीन तो मैंने पिंक ही ले लिए, दो ये वाले लिए थे, एक हमने ऑलरेडी दे दिया है, गुड क्वालिटी। एंड दिस इज हाउ द मिरर लुक्स लाइक, एक नॉर्मल मिरर है, एक जूम्ड इन मिरर है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो अगर मेकअप वेकअप करना हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। एक सर्कुलर मिरर भी है हमारे पास। देन नेक्स्ट अप वी हैव दीज फाइलर्स, ये मैंने ऐसे ही ले लिए, बड़े क्यूट लग रहे थे। दीज आर फॉर 49 रुपीज़ में से दो फाइलर मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव मेकअप, मैंने मेकअप भी लिया है। सबसे पहले मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक ली है, 199 लिखा है, बट ये भी वहाँ पे 49 समथिंग ही मिल रही थी। एक ये ली है, देन आई हैव अ जूसी लिप ग्लॉस, ये भी आई थिंक 109 का है, बट ये 29 या 59 रुपीज़ में मिल रहा था। जो भी प्राइसेज है ना मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। एंड या दिस वाज आवर चीपेस्ट मिसबू हॉल। फाइनली कमिंग टू द लास्ट रीसेंट परचेज जो मैंने लिया है आजियो से। सबसे पहले मैंने ली है ये ब्लिस क्लब की फ्लेयर पैंट्स इन द वर्जन लाइट। तो मेरे पास ब्लिस क्लब की ऑलरेडी दो पैंट्स हैं जो फ्लेयर पैंट्स आती है, वो नॉर्मल वाली हैं। दिस इज द लाइट वर्जन, इसमें साइड पॉकेट्स कुछ नहीं आती, पीछे ऐसे पॉकेट आती है, बट दीज आर वेरी लाइट इन मटेरियल। तो लिटरली अभी मॉनसून के महीने में बड़ी मतलब अच्छी लगती है, ज्यादा हैवी नहीं है, चिपचिप नहीं कर रही। ये जो थी डील पर टॉल वाली थी, तो मैंने टॉल वाली मंगा ली है। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा बिकॉज नीचे से थोड़ी टॉल है, मुझे हल्का सा एक फोल्ड चाहिए इसके लिए, तो वो मैं देखती हूँ। बट वेरी वेरी कंफर्टेबल, इसकी ऑलरेडी मैं IG रील बना चुकी हूँ, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे यू कैन चेक इट आउट देयर। वेरी वेरी कंफर्टेबल, मैं दो या तीन बार इसको जिम में पहन चुकी हूँ। लुक्स नाइस, वेरी वेरी कंफर्टेबल, इजिली वर्कआउट भी हो जाता है। एंड दिस इज सेकंड आइटम दैट आई बॉट फ्रॉम आजियो, ये बहुत अच्छी डील पे मिल रही थी तो मैंने ले ली। इसका MRP है 799, बहुत प्यारा ये प्रिंट है जो अर्बैनिक पे बड़ा पॉपुलर हुआ था। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, पीछे से बेल्ट भी है तो आप इसको लूज टाइट कर सकते हो। एंड ये जो बेल्ट है ये नॉर्मल ऐसे कपड़े वाली नहीं है, इट हैज़ दिस मेटल डिटेलिंग एज वेल विच इज नाइस। एंड फ्रंट में ऐसे कॉलर है हल्के हल्के, तो आप सॉर्ट ऑफ ऑफिस वेयर में भी इसको पहनना चाहते हो पहन सकते हो। नी लेंथ वाली ड्रेस है, मैंने अभी तक ये खुद नहीं पहनी, मैं जब इसको पहनूंगी आई डेफिनेटली पोस्ट अ रील और अ स्टोरी। मैं जो भी स्टाइलिंग रिकमेंडेशन है अपनी स्टोरी में करती हूँ, एंड देन आई पोस्ट द लिंक एज वेल, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट। बट या ये बहुत अच्छी डील पे मुझे मिली थी, एंड आई फेल लाइक कि चलो ठीक है वर्थ इट है, ले लेते हैं। दिस वॉज माई लास्ट 2 मंथ्स शॉपिंग हॉल, अब मैंने कुछ नहीं लेना लिटरली। अब सर्दी आने तक मैं फालतू में कुछ शॉपिंग नहीं करूँगी, आई एम गोना कंट्रोल अ लॉट बिकॉज लास्ट 2 मंथ्स में मॉनसून सीजन एंड के चक्कर में काफ़ी मैंने शॉपिंग कर ली। इसके अलावा भी ऑनलाइन मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, वो तो ऑफ कोर्स मैं अपनी शॉर्ट्स या रील के फॉर्म में डालती रहती हूँ। सैडली एक ऑफलाइन हॉल है खाली आजियो की, मैं आपको लिंक दे सकती हूँ, लेकिन अगर नाइकी में कुछ भी मुझे लिंक में मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। एंड या दैट इज फॉर डेज वीडियो, फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज, वॉच अदर हॉल्स एज वेल, मैंने काफ़ी सारे हॉल्स बनाए हैं, आप ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।